ये जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी तनों की एक रिवायत के मुताबिक ये सूरत जो है वो सूर्य वाक़ के बाद नाजिल हुई थी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का वो ज़माना था यानी जब ये नाजिल हुई थी तो वो टाइम था मक्का मक्की ज़िंदगी का जिसमें कुफार आप वसल्लम की दावत पर बड़े ज़ोर शोर से मुखालफे कर रहे थे यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे तो वो इसका रिजेक्ट कर रहे थे ये मक्की सूरत है और बड़े जोर शोर से मुखालफत कर रहे थे और सब इस काम में लगे हुए थे आप से अपनी पसंद के मोड से दिखाने का मुतालबा डिमांड कर रहे थे कि कोई मोड से दिखाए हमारे अकॉर्डिंग मोड से दिखाए तो इस सूरत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की जो निशानियां हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई ध्यान दिलाया गया कि अगर किसी के दिल में इंसाफ हो और वो सच्चे दिल से हक़ की तलाश करना चाहता हो तो उसके लिए अल्लाह ताला की कुदरत की ये निशानियाँ और उसकी तोहद को साबित करने के लिए काफ़ी हैं यानी अगर हम कायनात की तरफ़ देखें तो अल्लाह जब हम निशानियों पर गौर करें तो अल्लाह ताला की तोहद को साबित करने के लिए काफ़ी हैं और उसे किसी मोजे की ज़रूरत है ही नहीं तो इसमें देखें हम पहले भी पढ़ चुके पहले जो है अल्लाह ताला ने काफी नबियों के किस्से बताए उनको जब मुँह मांगे मोज़े दिए गए थे तो उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया क्या कहा जादू है तो इसलिए जिसको ईमान लाना होगा यहाँ पर अल्लाह ताला की सुन्नत है जब मुंह मांगे मोज़े दिखा दिए जाते हैं उसके बाद भी अगर कौम ईमान नहीं लाती तो उसको हलाक कर दिया जाता है तो यहाँ पर वो हर रोज नए डिमांड कर रहे थे नए नए मोर्जे मांग रहे थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये निशानियों को देखो आंख खोल कर देखो लेकिन अगर मोर्जे दिखाए गए और उसके बाद अगर आप ईमान ना लाए तो आपको हलाक कर दिया जाएगा यानी तुम सबको यानी पूरी कौम से कहा जा रहा है कि तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा तो और फिर कुफार जो कुफार जो थे कुफार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी काहिन कहते थे है ना कभी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कह रहे थे कभी आपको शायर का नाम देते थे तो इसमें आप अल्लाह ताला ने इन सब बातों को रिजेक्ट किया और क्या कहा कि ना तो आप काहिन हैं ना आप शायर हैं है, है ना बल्कि आप जो हैं अल्लाह ताला के रसूल हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं तो देखते हैं इस सूरह में क्या है ये सूरह मक्की है बिस्मिल्लानरहिम कौसिन मीम हर्फ मुकतात हैं हर्फ मुखात के मीनिंग्स जो हैं हमें नहीं पता होते लेकिन इतना पता है कि क़ुरान मजीद का हर हर्फ जो पढ़ा जाता है उस पर दस नेकियां मिलती हैं तिलका तिलका इशारा है ये ये आयातु आयात हैं अल किताबुल मुबीन वाजे किताब की खुली हुई किताब की है वाज किताब की या खुली हुई किताब की यानी अब ये शुरुआत किससे हो रही है इस किताब के साथ हो रही है कि ये जो अल्लाह ताला बता रहे हैं अब आगे जो बताया जाएगा और आगे जो है अल्लाह ताला इस इसमें जो है निशानियां बता रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये मामूली चीज नहीं है बल्कि ये तो एक जो मैं आयात बता रहा हूँ या जो मौजे हैं या जो निशानियाँ हैं ये वाज किताब की हैं खुली हुई किताब की है क्लियर किताब की है ऐसी किताब जो हक को क्लियरली करती है, इसमें कोई शक नहीं है ला अल्ला का ला अल्ला जो है ये एक वर्ड है और इसके साथ जमीर मिली हुई है का की। ला अल्ला मतलब ताके या शायद के का आप हलाक करने वाले हैं यानी बाखी, बाखी, उनका जो लब्जी मायना होता है वो होता है पूरी तरह झिबा करना या जान हलाक करना या ख़त्म करना इस वर्ड के अंदर शिद्दत थी शायद कि आप हलाक करने वाले हैं बुरी तरह हलाक करने वाले हैं बाइन इसके रूट लेटर्स हैं नफ्स का अपनी जान को अपनी नफ्स को अपनी जान को अल्लाह अन प्लस ला दो से मिलकर बनाएंगे अन प्लस ला अन मतलब के और ला मतलब नहीं के नहीं यकूनू है वो काना कुन से। अब देखें कब देखे था नून यहाँ से ड्रॉप हो गया किसकी वजह से ड्रॉप हुआ नून क्योंकि ये अल्लाह है ना अन प्लस ला है तो अन जो है ना पहले उसकी वजह से ये यकुनू ना में नून ड्रॉप हो गया के नहीं है वो मुमिनीन ईमान लाने वाले मोमिन ईमान लाने वाले आमना मुमिन ईमान लाने वाले शायद कि आप हलाक कर देंगे या हलाक करने वाले हैं अपनी नफ्स को कि नहीं है वो सब ईमान लाने वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहते थे बहुत गमगीन रहते थे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे यानी ये जो है उनको जो है आ, दावत देते हैं रसूल अल्ला उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं तो ये जो है ईमान लाते क्यों नहीं है ये लोग तो आपकी ऐसी हालत क्यों थी क्योंकि आपके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी थी आपको फिक्र थी कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो पिछली कौम की तरह पिछली अकवाम की तरह यानी जितनी सा, इतनी सारी कॉमें गई हैं इनको भी तबाह या बर्बाद कर दिया जाएगा और आपको ये भी परेशानी थी कि अगर ये लोग ईमान ले आए यानी आपको अगर ये ये सब अहले ईमान यानी ये जो मुशरकिन मक्का हैं अगर ये ईमान ले आए तो अहले इस्लाम की तक एहल इस्लाम के लिए ये तकवियत का बायस बनेंगे यानी इससे अहले इस्लाम को यानी इस्लाम को ताकत मिलेगी और ये जो है अगर कुफ्र पे अड़े रहे तो इस्लाम का नुकसान होगा यानी इस इस्लाम का नुकसान देने वाले बन जाएंगे लेकिन अगर ये ईमान ले आए तो इस्लाम को जो है ये ताकत देंगे और आप देख देख भी सकते हैं कि जब अः वो थे हज़रत उमर ईमान लेकर आए थे तो किस कदर इस्लाम को ताकत मिली थी खुलकर लोगों ने नमाज पढ़ी थी जब हजरत उमर ईमान लेकर आ गए थे तो इसलिए आप वसल्लम को हर वक्त ये परेशानी लगी रहती थी कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है रसूल्ला को तसल्ली दे रहे हैं कि आप इनके पीछे अपनी जान हलाक कर देंगे कि ये जो है मोमिन नहीं हो रहे ये जो है ईमान लाने वाले नहीं हो रहे इनके पीछे आप अपने आप को हलाक कर देंगे आयत फोर देखें इन अगर नशा हम चाहें ये जो है नशा जो है ये शीन या अलिफ से बना है ठीक है शीन या अलिफ शाह आ से बनाइए शाह शा उ, शाह तो ये क्या है नशा फेले मुजारे इनकी वजह से ऐसे जजम आ रहा है कि अगर हम चाहें नज़िल हम नाजिल कर दें या हम उतार दें अब देखिये जरा कि जब इन आ जाता है ना इन क्या करता है फेले मुजारे को आ, अमर के मायनों में कर देता है एक तरह से मजदर के मायनों में मजदर के मायनों में अब देखें इसमें ना तो मैं प्रेजेंट के मायने कर रही हूँ जबकि ये फेले मुजारे नजर आ रहा है ना मैं इसमें पास के मायने कर रही हूँ मैं किस में कर रही हूँ ये कि अगर हम चाहें हम उतार दें या हम नाजिल कर दें तो इस तरह से जो मायने हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे है? इनकी वजह से उन उन सब पर, अला प्लस उन सब पर। पर हिम आसमान से आ, आयातन कोई निशानी फज तो हो जाए फज तो वो हो जाए लाम लाम। इसके रूट लेटर्स है मतलब तो इजल फेले अम्र है इसका तो जल्लत माजी है माजी फीमेल का सीगा और ये किसकी वजह से आया है आगे जो क्योंकि बॉडी पार्ट जो आते हैं ना एक तो ये याद रखिये कि जो बॉडी पार्ट होते हैं ज्यादातर बॉडी पार्ट वो फीमेल लिए जाते हैं अरबी में और एक मैंने ये आपको बताया था जो प्लूरल होता है जमा मुकसर होती है एक आपको पता है मैंने दो तरह की जमा बताई थी एक जमा सालिम और एक जमा मुकसर यानी ब्रोकन जमा ब्रोकन प्लूरल टूटी हुई जमा और वो कैसी होती है उसकी पहचान जैसे किताब है किताब से कुतुब हो गया है ना किताब से कुतुब हो गया बीच में हमने ता को हमने जो है किताबानी या किताब या किताबूना नहीं कर रहे है ना पीछे हम ऊना या ईना ऐड नहीं कर रहे बल्कि बीच में से टूट गया वो कुतुब हो गया तो वो ब्रोकन फ्लोरल होती है तो जब इस तरह की जो जमा आती है अरबी में उसके लिए भी फीमेल क्या सीगा इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है फीमेल माजी का तो देखें कोई निशानी आयतन फजल तो हो जाए आनाकूह उनकी गर्दने आनाक आन नून काफ आनाक उनकी गर्दने लहा उसके लिए खादीन झुकने वाली ख्वाद आइन इसके रूट लेटर्स हैं खुशू और खुजू से झुकने वाली खादी कहते हैं खुजू वाला झुकना अल्लाह तला के आगे झुक जाना यानी अल्लाह तला कह रहे हैं कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं उनके लिए आप अपने आप को हलाक कर देंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ये लोगों को लगी रहती थी कि काश ये किसी तरह ईमान ले आए अल्लाह तला से दुआ भी करते थे रो रो कर अल्लाह तला से दुआएं करते थे सारी सारी रात इतना इतना अल्लाह तला के लिए कयाम करते थे कि रसूल अल्लाह के पैर सूख जाया तो करते थे उनकी हिदायत के लिए बहुत दुआएं किया करते थे तो अल्लाह तला तसल्ली दे रहे हैं कि आप उनके पीछे अपनी जान हलाक कर देंगे आप अपने साथ ऐसे कर रहे हैं उनके पीछे अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनको मजबूर कर देते ईमान पर जबरदस्ती उन पर ईमान ले आते और इंसान जो है वो अल्लाह ताला के सामने झुक जाता यानी खुशी और खुजू से उनकी गर्दनें अल्लाह ताला के सामने झुक जाती लेकिन अल्लाह ताला ने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करी अल्लाह ताला ने कायनात की निशानियां दे दी अल्लाह ताला ने सही और गलत रास्त, रास्ता बना दिया और अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी मर्जी तुम्हें कौन सा रास्ता इख, इख, इख्तियार करना है तुम्हें कौन से रास्ते की तरफ चलना है ये अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया नंबर फाइव वमा और नहीं या आती उनके पास अता या अति से या आती नहीं आती उनके पास पहले मुजारे है ये मिन जिक्र मिन जिक्रिन कोई नसीहत जिक्र कहते हैं नसीहत को कोई नसीहत मिनर राहमानी रहमान की तरफ से मुहदसिन नहीं मुहदसिन नहीं इल्ला मगर कानून वो होते हैं अनहु उससे मुरीदीन एराज करने वाले इग्नोर करने वाले फाइल फाइल है ये फाइल जमा यानी नहीं आती उनके पास कोई नसीहत रहमान की तरफ से नहीं मगर होते हैं वो उसका करने वाले यानी अगर अल्लाह ताला कोई नई आयात उन पर भेज देते हैं या कुरान की अल्लाह ताला कुरान के अंदर कोई नया रूल कोई नया अहकाम कोई नई नसीहत ना, नाजिल कर देते हैं तो वो लोग क्या करते फौरन उसका इनकार करने लगते हैं यानी फौरन उसको रिजेक्ट कर देते हैं यानी बिना सोचे समझे मजाक बनाना शुरू कर देते थे बिना सोचे समझे उसको क्या कर देते थे रिजेक्ट एकदम से कर देते थे तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं जब भी कोई नई नसीहत आती थी जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी उनको न, न, उनको आयात नाजिल की जाती थी तो फौरन उसको उसको उससे मुंह फेर लेते थे ये हाल था मुश्रकिन मक्का का तो जब भी हम कोई नई आयत पढ़े तो मुसलमान की क्या कैफियत होती है कि वो उस पर हर आयत पर गौर और फिक्र करता है बल्कि और ज्यादा उसका ईमान जो है वो बढ़ जाता है उससे और ज्यादा वो उस पर ईमान लेकर आता है और ज्यादा उसके दिल में जो है तड़प पैदा हो जाती है और ज्यादा खुश और खुजू पैदा हो जाता है ठीक है तो फिर आयत नंबर सिक्स देखे फ़कद तो दर हकीकत कज़बू कसजबा यु कजबू से कज़बू उन सबने झुटलाया फसा या अति हिम तो जल्द ही आएंगी उनके पास पा मतलब तो सीन मतलब जल्द ही या ती हिम अता या अती से बना है आएगी उनके पास हु हुमा हुम जुड़कर क्या बन गया जब हु हुमा हुम जुड़ता है तो ही हिमा हिम में बदल जाता है तो जल्द ही आएगी उनके पास अम्बाऊ खबरे अम्बाऊ खबरे माँ उसकी जो कानू थे वो काना यकूनू कुन से बनाए थे वो भी ही उसका यस तहाजी ऊन मजाक उड़ाते इस तहाजा यस तहाजीऊ से पहले मुजारे है ये यस तहजी ऊना उसका मजाक उड़ाते इस तहाजा किसे कहते हैं हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं मौक मजाक बनाना हाजा हमजा या हाजा अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं तो यहाँ पर तो दर हकीकत झुकलाया उन सब ने यानी रिजेक्ट कर दिया तो जल्द ही खबर देगा उन्हें या बताएगा उन्हें उसकी जो थे वो उसका मजाक बनाते यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और, और अंबा कौन सी खबर होती है ये बा कौन सी खबर होती है ऐसी खबर जो हंड्रेड परसेंट सच्ची हो ऐसी खबर जो जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो जिसके अंदर हकीकत हो बहुत बड़ी हकीकत हो ऐसी खबर के लिए आता है जो अल्लाह ताला की तरफ से बताई जाती है और वो खबरें ऐसी ही होती हैं तो जल्द ही आएगी उनके पास खबरें उसकी जो थे वो उसका मजाक बनाते मजाक किसका बनाते थे अजाब का अल्लाह आप अलैहि वसल्लम उनको अलर्ट करते थे कि अगर तुमने अल्लाह ताला की बातें नहीं मानी और अगर तुमने इनकार किया और अल्लाह ताला का इनकार कर दिया जैसे पिछली कौम जो थी उनको पिछले वाक़ सुनाए गए थे जैसे पिछली कौम तुमसे पहले जो आई थी वो हलाक की गई थी इसी तरह तुम भी हलाक कर दिए जाओगे या तुम्हारे ऊपर भी अजाब आ जाएगा या क्यामत में जब क्यामत आएगी तो तब तुम्हारी बर्बादी होगी लेकिन वो क्या करते थे उसका मजाक बनाया करते थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि जल्द ही उनके पास वो खबरें आएंगी जिसका वो मजाक बनाया करते थे अब और क्या नहीं आ मतलब क्या वा मतलब और लम मतलब नहीं यऊ उन्होंने देखा रा रॉ से बना है ये यऊ ना था लम की वजह से नून यहाँ से ड्रॉप हो गया और आपको पता है जब फेले मुजारे के आगे जो है लम लगता है तो वो डिड नॉट के मायने दे देता है नून ड्रॉप होता है माजी मनफी के क्या नहीं उन्होंने देखा इलल अरुदी जमीन की तरफ कम कितने ही अम्बतना उगाए हमने अम्बता बनाए अम्बतना कहते हैं उगाना नशो नुमा करना उगाना आ, जमीन में से जो ग्रीनरी रीना बतात भी इसी से आता है वर्ड जो जमीन से ग्रीनरी निकल कर आती है कितनी ही उगाई हमने फी हा उसमें मिनकुल्ली जौजिन हर किस्म के जौज जो है ना जौज के दो मायने होते हैं जौज जोड़े को भी कहते हैं जौज किस्म को भी कहते हैं दोनों मायने में आता है हर किस्म के करीम उमदा उमदा करीम किसको कहते हैं उमदा को या नफीस को या या जो है नोबल को करीम कहा जाता है और करीम जो है करम से बना है करम अरबी जबान में यानी काफ रामीम अरबी जबान में अंगूर की बेल को कहते हैं और इसी से करीम निकला है अरबों के यहाँ अंगूर की बेल जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती थी सिर्फ उनके यहाँ ही नहीं हर दौर में जब हम देखें अंगूर बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है तो इसलिए जो है इसी से जो है फिर करीम उमदा नफीस और इज्जत वाला और बहुत वैल्यूएबल ये सब मायने निकाले गए और क्या नहीं उन्होंने देखा जमीन की तरफ कितने ही उगाए हमने उसमें हर किस्म के उम्दा जोड़े यानी अब अल्लाह ताला कायनात की तरफ बता रहे हैं कि वे मजाक बना रहे हैं पिछली कौमों का मजाक बना रहे हैं पिछली कौमों के पास जो अजाब आ गए पैगंबर भेजे गए अंबिया कराम भेजे गए उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया और तो ये देखते नहीं जमीन की तरफ नहीं देखते कि जमीन से किस तरह से हर किस्म के उमदा ग्रीनरी निकल कर आती है खाने पीने की चीजें निकल कर आती हैं अंगूर और खजूर की बेले और ये जैतून इन इन सब की तरफ वो गौर नहीं कर रहे कि जैसे जमीन से वो निकल कर आते हैं कि वो झुटला रहे हैं कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे मरने के बाद तो जिंदा होंगे इस बात को तो झुटलाया करते थे ना तो क्या वो गौर नहीं कर रहे कि इन इसकी तरफ के वो देखें कि कैसे जमीन से ग्रीनरी निकल कर आई ऐसी वही वो, वो लोग भी जिंदा किए जाएंगे इन्ना बेशक इसमें ल जरूर एक निशानी है वमा और नहीं काना है अक्सर हम उनके अक्सर मुमिनीन ईमान लाने वाले आमाना युमिनु मुमिन और नहीं है उसके अक्सर ईमान लाने वाले अब ये जो है यानी बेशक इसमें जरूर ही निशानी है और नहीं है उनके अक्सर ईमान लाने वाले ये आयत बार-बार अब दोहराई गई है इस आठ या नौ जगह पर इसकी तकरार आएगी और ये एक खास अंदाज है कुरान का कि अल्लाह ताला गौर और फिक्र करा रहे हैं कुरान की तरफ और फिर कायनात की निशानियों की तरफ गौर और फिक्र करा रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं कि ये ये निशानी है तुम्हारे लिए ये जो जमीन है इस जमीन को देखो इस जमीन में से कैसे फल निकल कर आता है कैसे पेड़ बनता है कैसे गेहूं निकल कर आते हैं कैसे खेतियां लहराती हैं ये निशानी है लेकिन फिर भी उनके अक्सर ई मान नहीं लाते इसको देखकर भी नहीं मानते वो व का और बेशक आपका रब लहुआ वो जरूर ही अल-आजीज और रहीम निहायत जबरदस्त रहम करने वाला है सबसे पहली आयत जिससे बात शुरू की गई वो कायनत की निशानी है और इसमें से ये है कि लोग कायनात की निशानियों पर गौर नहीं करते और अगर ये गौर करते तो अपने रब को पा लेते कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर वो गौर करते तो अपने रब को पा लेते लेकिन अक्सर लोग इसी वजह से मोमिन नहीं है कि उनका गौर और फिक्र करने का तरीका ही ठीक नहीं है या वो गौर और गौर फिक्र करते ही नहीं है है ना और अब देखे ना जब इंसान जरा भी गौर और फिक्र करता है ना वो ईमान लेकर आ जाता है और जो करता ही नहीं वो ईमान भी नहीं लाता और इसलिए अल्लाह ताला बार बार ईमान वालों को भी कहते हैं गौर और फिक्र करो ताकि और ईमान का लेवल बढ़े और तखबा बढ़े अल्लाह ताला की हस्ती को पहचान पाए कितने बड़े हैं अल्लाह ताला और यहाँ अल्लाह ताला की दो सिफत आई है अल अजीज और रहीम तो अल अजीज क्या है ऐसी हस्ती होती है अल अजीज जिसका कोई इदारक नहीं कर सकता है ना जिसको कोई देख नहीं सकता मखलूक की सिफात से बहुत बुलंद होती है ये जिसका मर्तबा बहुत बुलंद होता है वो किसी के आगे झुकता नहीं है जो अकल और फहम से इतना दूर है यानी हमारी अकल से और हमारी समझ से इतना दूर है कि अकल हमारी अंदाजा ही नहीं लगा सकती हम सोच ही नहीं सकते वो हर कि अल्लाह तैसे होंगे हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते और वो अपनी ज़ात में बेनियाज होता है अल अजीज मतलब वो अपनी ज़ात में बेनियाज़ है मतलब सेल्फ सेल्फ सफिशियंट उसको किसी की जरूरत नहीं है किसी का मोहताज नहीं है वो और ऐसी कोई और हस्ती है ही नहीं सिवाय अल्लाह तला के तो उस तक रसाई पाना उस तक इंतहाई रसाई बहुत मुश्किल है है ना और इसी के साथ रहीम भी है वो इसलिए कि वो मखलूक की दुआएं सुनता है वो गालिब है जिसको मगलूब नहीं किया जा सकता हराया नहीं जा सकता महफूज है जिसको कोई नुकसान नहीं दे सकता जिसको कोई पकड़ नहीं सकता भागने वाले उसको आजिज नहीं कर सकते अल्लाह ताला को कोई बेबस नहीं कर सकता और रहीम बहुत बहुत रहम करने वाला बार बार रहम करने वाला जो जो मिसकीन और गरीबों की फरियाद भी सुनता है जो सबके साथ शफ़क़त का मामला करता है और उसकी इतात और जो, जो है उसकी इतात की जाए ना कि वो किसी की कि, किसी की बात माने बल्कि उसकी बात सब मानी जाए वो है रहीम रहम बार बार रहम करने वाला तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम तुम तु, तुम्हारे लिए ये निशानियां ही काफी हैं लेकिन फिर भी तुम ईमान नहीं लाते अक्सर ईमान नहीं लाते बेशक आपका रब जबरदस्त अजीज है रहम करने वाला है वा इज़ और जब नादा पुकारा जब नादा पुकारा निदा दी आवाज लगाई पुकार के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नून दाल या इसके रूट लेटर्स हैं नादा युनादी से और जब पुकारा रब का आपके रब ने अच्छा जब ये इज आता है ना इज इस और इजा में थोड़ा सा फर्क होता है जब इज आता है ना तो इज में कहने का मतलब ये होता है कि याद करो वो वक्त माजी की पास्ट की कोई बात बताई जाती है और उसमें ये होता है कि याद करो वो वक्त यानी उस कुरु जकारा यस्कुरु या, मतलब याद करना उस याद करो तो इज उस मतलब याद करो जब उस वक्त को याद करो जब नादा पुकारा ठीक है ये फर्क होता है थोड़ा सा इज़ा के मीनिंग भी जब होते हैं इसके मीनिंग भी जब होते हैं लेकिन इज़ आता है तो याद करवाते हैं अल्लाह ताला कि याद करो जब पुकारा रब का आपके रब ने मूसा मूसा इस्लाम को अन के इति आओ अता से इति अतायाति मतलब आना और इति फेले अम्र है कि आओ अल कौमा उस कॉम की तरफ जो ज़ालिमीन ज़ालिम हैं जलामा यजलिम से उस कौम की तरफ जो ज़ालिम हैं यानी फिरोन जो अपनी फिरन की तरफ इशारा है जो अपनी अपनी जान पर भी जुल्म करता था और ख़ास तौर पर बनी इसराइल पर जुल्म ढहा रहा था उसको कहा गया जो ज़ालिम बादशाह था कि जब पुकारा आपके रब ने मूसा इस्लाम को कि आओ उस कौम की तरफ जो ज़ालिम है जो जुलम करते हैं कौम फिरऊना कौम फिर की तरफ अला क्या नहीं यद वो सब डरते इतका यद से यद फेले मुजारे क्या नहीं वो सब डरते काला, कहा रबी ए मेरे रब किसने कहा मूसा इस्लाम ने ये रबी है रब्बा के नीचे जेर तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से या भी महजूफ़ है या था यहाँ पर रबी मेरे रब तो जब ये रबी आता है ना मेरे रब या के साथ भी आ जाता है और बाकी नीचे जेरा इसके साथ भी आ जाता है बेश, बेशक में इन्नी इन्ना प्लस या से बनाए इन्नी बेशक मैं अखाफू मैं डरता हूँ खाबा इसके रूट लेटर्स हैं अखाफा या, या, खाफा या, खाफू से अखाफू फैले मुजारे मैं डरता हूँ अनके युकजिबूनी जबा युकबू से युकबूनी वो सब मुझे झुटलाएंगे वो सब मुझे झूठ कह देंगे झुटला देंगे तो यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को नब्त दी और क्या कहा कि फिरौन की तरफ जाओ और फिरौन के पास जाकर मेरी दावत देना मेरे बारे में बताना बार बार ये किस्सा आ चुका है रिपीट हो चुका है कुरान के अंदर कि उनको जो है बुलाना और उनको अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाना तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा कि मुझे हमें डर है यानी मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे यानी मेरी बात नहीं सुनेंगे मुझे रिजेक्ट कर देंगे मुझे झुटला देंगे और फिर यदीकु। और घुटता घुटता है, यदीकु से। यदीकु दिक। है, से, द्वाद या काफ इसके रूट लेटर्स हैं, फेल मुजारे सदरी मेरा सीना वला और नहीं यंतलिकु। लाम, काफ इसके रूट लेटर्स है इलाका और नहीं चलती लिसानी मेरी जबान लिसान और या लग गया लिसानी मेरी जबान फरसिल तो भेज दीजिए अरुसला अरसिल भेज दीजिए इला हारूणा हारून की तरफ क्या भेज दीजिए नबुवत भेज दीजिए यानी मूसा इस्लाम क्या कह रहे हैं Uh, क्योंकि देखें, वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा सीना घुटता है इस बात से कि मैं फिरौन के पास जाऊं और जबकि मेरी जबान क्लियरली चलती नहीं है मैं क्लियरली बोल नहीं पाता इसलिए आप मुझे मेरा मददगार बना दीजिए मेरे साथ नबुवत में हारून अलीम को भी भेज दीजिए यानी उनको भी जो मेरे भाई हैं बड़े भाई हैं उनको भी मेरा आ, मेरा मददगार बना दीजिए उनको रसूल बना दीजिए नबवत उनको भी दे दीजिए अल्लाह ताला ने ये दुआ याद उनकी कबूल भी कर ली और याद रखिए मूसाला इस्लाम जो जा रहे थे वो किसके पास जा रहे थे बहुत जाबिर किस्म के लोग थे ज़बरदस्त सरकश थे ताकतवर लोग थे बादशाह था वो अपने आप को खुदा कहवाता था एकदम कत्ल कर डालता था लोगों को है ना ना यानी जैसे दम जाना होता है बादशाह के पास या किसी भी ऐसे मिनिस्टर वगैरह के पास भी एकदम से बोल नहीं पाते जबान जबान भी नहीं चलती है ना और इतना ज्यादा परेशान भी होते हैं और जुलम और सितम जो करता हो लोगों के ऊपर तो उसके पास जाना उसके सामने जाना हो सकता है जबान भी ना चल पाए ऐसे में तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी जबान भी नहीं चलती और मेरा सीना भी घुटता है तो याद ये भी इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे साथ हारून अल इस्लाम को भेज दीजिए यानी मेरे भाई को नबी बना दीजिए तो याद रखें कि अगर आप अकेले काम नहीं कर सकते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है यानी अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे डर लगता है यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि चले जाएं और जाकर कुरान की दावत को आम करें सबको दें कोई उसमें से ऐसा भी होगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता लोगों को या नहीं मैं नहीं बता सकती और मेरे से बोला नहीं जाएगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन रुकना नहीं है अपना अपना साथी बना ले किसी को अपना मददगार बना ले कि चलो मिलकर काम करते हैं है ना जबकि मूसा अलीस्म जो इतने ज्यादा ताकतवर उलुल आजम पैगंबर थे हिम्मत वाले पैगंबर थे इस काम के लिए अपने आप को मुश्किल में पाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसी कैफियत में जो है हर एक पर आती है ऐसी सिचुएशन हर एक पर आती है जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है या कोई ड्यूटी दी जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे बस से बाहर है जब कोई ऐसा एक ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ सकती है या मान ले सारे मेहमान घर में आ रहे हैं आपके लिए है ना और बहुत सारे लोग होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि मैं कैसे मैनेज करूं लेकिन दूसरा कोई आपकी मदद कर लेता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती लेकिन आप वही काम आसानी से कर पाते हैं ऐसे ही मूसा इस्लाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि हारून आल्लाम को भेज दो और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने कोई नबी या कोई खलीफा नहीं भेजा मगर उसके साथ दो तरह के सुलहकार और मुशीर होते हैं एक उसे नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं और दूसरा उसे दीवाना बनाने में कोई कोई कस, कोई चीज नहीं छोड़ते जिसको उसके बुरा बुरा हमराज से बचा लिया गया हो वो महफूज रहा यानी जो हमराज होता है जो बुरे हमराज होते हैं या बुरे लोग होते हैं अगर ज, जिस इंसान को बुरे लोगों से बचा लिया गया वो महफूज रहा है ना क्योंकि हर हर किसी के साथ होते हैं कुछ लोग होते हैं अच्छाई की तरफ लोगों को कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ये काम करो इनकरेज करते हैं कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं ये काम मत करो कैसे करोगे अकेले उसने मार दिया उसने कुछ कर दिया तो हर तरह के होते हैं लेकिन जिसको बुरे हमजात से बचा लिया गया वो महफूज रह गया और आप सल्ला और आपको पता है ना कि हर किसी के साथ हमजात होते हैं एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है अल्लाह ताला जो है हर किसी को भेजते हैं जब इंसान को पैदा करते हैं तो उसके साथ भी दो किस्म के लोग भेजते हैं एक अच्छे और एक बुरे एक बुराई की तरफ बुलाता है और एक अच्छाई की तरफ बुलाता है लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमजाक था ना वो भी मुसलमान हो गया था और इसी तरह जो नेक वजीर होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है हुक्मरान की जो हुक्मरान के लिए भलाई का सब बनता है मददगार होता है अच्छे मशवरे देने वाला होता है अच्छा मैंटोर बनता है अच्छी तरबियत कर सकता है तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें नेक साथी दे नेक लोग दे ताकि हम मिलकर काम कर सकें बल्कि ना कि ईगो आ जाए उसके अंदर अपने आप को आगे करने की वो आ जाए कि नहीं मैं दिखूं सबसे आगे मुझे मैं पीछे क्यों रहूं ऐसे लोग नहीं मुखलिस लोग होने चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मैं जब आपके काम के लिए निकलूँ तो मेरे साथ मुखलिस लोग हों